Hello, bro. Okay. Hello, everyone. Welcome back to the channel. This is me, Raghib Rahman. And today, it's the first travel series of my life. कह सकते हैं क्योंकि मैंने आज तक कभी ट्रैवल वीडियो नहीं बनाया है. सो ये पहला ट्रैवल वीडियो है जो यूक्रेन में है. और मैं यहाँ से 300 किलोमीटर अराउंड के दूरी पे एक सिटी है जिसका नाम है क्रीबॉग रॉग. सो मैं वहाँ जा रहा हूँ और वो यूरोप का सबसे लॉन्गेस्ट सिटी है 126 किलोमीटर लेंथ वाइज में. और वो मेरे ख्याल से दुनिया का थर्ड लॉन्गेस्ट सिटी है. और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड मयंक. मैं आपको उनसे मिलाता हूँ. हमारा जो बलाबला कार वाला है वो काफ़ी भड़क गया है क्योंकि हम टाइम पे उसके पास नहीं पहुँच पाए और हमें रशियन सही से आती नहीं है, जिसके वजह से वो थोड़ा ज़्यादा गर्मा गया. आप देखते हैं कहाँ पे. और ये हमारा पेट्रोल भर रहा है ना आधा. और ये यहाँ पे ऐसे जाती है पेट्रोल. तो अब ये बलाबला कार क्या है? एक्चुअली बलाबला कार ये है कि जब लोग यहाँ से कोई भी एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक ऐप है बलाबला कार या फिर वेबसाइट है, उन पे वो रिक्वेस्ट डालते हैं कि वो उस शहर जा रहे हैं. और अगर किसी पैसेंजर को अगर उधर जाना हो तो वो उससे कॉन्टैक्ट कर सके और वो उसको कम पैसे में लेके जा सके. तो हम जो जा रहे हैं, हम 250-500 ग्रेवन में जा रहे हैं. तो 500 ग्रेवन लगभग 1300-1400 रुपये होता है और 300 किलोमीटर मस्त एंजॉय करके जाने वाले हैं. तो अगर आप कभी इमरजेंसी पे कभी यूक्रेन में अगर कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो तो आप बलाबला कार से आराम से कहीं भी जा सकते हैं. गाइस हम ओडेसा से तो निकल चुके हैं और मुझे रास्ते में बहुत जोर की सुसु आ रही है, लेकिन मैं कंट्रोल. डायपर्स लेकर अब हमारे उम्र के डायपर्स मिल नहीं रहे ना. मिलेंगे यहाँ पे अली एक्सप्रेस से सब कुछ मिल सकता है. अच्छा तो ताम बिसाई है? ताम बिसाई रॉकेट स्टॉप ताम रॉकेट टेस्टो वो तो टेस्टो आए तो जबोत जबोत. आज के जैसा शाम मेरा कभी हुआ ही नहीं था, इतना लाल. रास्ते में जो अगर आप इंडिया में है तो कहीं पे भी रास्ते में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाईवे हो, नॉर्मल कोई भी जगह हो, लेकिन यहाँ पे भाई ये भाई रोक ही नहीं रहे. कहे ये कह रहे हैं कि नहीं टॉयलेट मिलेगा तो टॉयलेट में कराएंगे. और हम पहुंच गए हैं क्रीबॉग. Здравствуйте.
और हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और ये हमने फ्लैट कल ही बुक किया था ऑनलाइन। और ये बाथरूम जो गेट के पास ही दिया है इन्होंने, और ये मैं, और इधर हमने रखा है कपड़े ये टांगने के लिए, पता नहीं कितना सारे एक्सटेंशन के रखा है। सो दिस इज द फ्लैट। और ये किचन है, फ्रिज काफी बड़ा है और स्मार्ट, और बहुत सारे बर्तन भी हैं। कुछ भी बनाओ खाओ, गैस है, ओवन है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, और क्या है, हाँ, वोडका का ग्लास। इधर बैठ के खाओ। और एक और रूम है इस रूम के अंदर। सो ये हमारा आज का खाना है, और ये हम घर से ही बना के लाए थे। और ये राइस है, और ये पराठे हैं, और ये अचार है। और ये एक पुल है सोवियत टाइम का, इसको क्रॉस करने के लिए, और मुझे डर भी लग रहा है और ये काफ़ी हिल रहा है। मैं उस पार नहीं जाऊंगा क्योंकि जो मेरा टैक्सी ड्राइवर है वो वेट कर रहा है। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, और लोग इधर घूमने के लिए आते हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, काफ़ी हो गया। ये शहर से जुड़ा हुआ छोटा सा गांव है, और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। और जो आप वो सामने देख रहे हैं वो क्वेरीज है। अब कुछ खाते हैं, तो चलिए मैकडी चलते हैं और फिलहाल फिश खाते हैं, क्योंकि बस एक ही चीज़ है जो हलाल है, फिश। और हमारा नंबर है 533। तो गाइज़, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये फ्लावर क्लॉक है, और फ्लावर क्लॉक पे फ्लावर नहीं है क्योंकि अभी जस्ट विंटर ख़त्म ही हुआ है, इसलिए इस पर एक भी फ्लावर नहीं है। अभी जैसे स्प्रिंग स्टार्ट होने वाला है अभी, तो स्प्रिंग के बाद इस पर गार्डनिंग होगी, और इस पर कुल 22,000 फ्लावर्स लगाए जाएंगे, और टोटल 6 स्पीसीज के फ्लावर इस पर लगेंगे। ये जो फ्लैग देख रहे हैं आप, ये फ्लैग इस सिटी का फ्लैग है। यूक्रेन में हर सिटी का एक अपना फ्लैग होता है, और ये यूक्रेन का तो फ्लैग होता ही है, साथ में हर सिटी का एक अपना फ्लैग होता है, तो ये क्रीबॉक का फ्लैग है। और ये जो क्लॉक टावर के पीछे छोटा सा पार्क है, इस पार्क का नाम है हिरोई पार्क। ये पत्थर पता है यहाँ पे क्यों रखा गया है? ये आयरन ओर का यहाँ पे वो है ना, क्वेरी है, वहाँ से ये पत्थर निकाल के यहाँ पे पार्क में सेट किया गया है ताकि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। आपको दिखाते ये पत्थर कितना पुराना है, ये मेटल वाला पत्थर है। एक हाथ में गिटार और एक हाथ में तलवार। और ये मेरे भाई को फॉलो कर दो, देखो वीडियो बनाने के लिए यहाँ कीचड़ में घुस गया है, अपने जूते वाइट जूते का भी ध्यान नहीं रखा इसने। कर दो लाइक सब्सक्राइब कर दो उसको। ये सिटी जो है
ये दो रिवर के जंक्शन पे है। रिवर का नाम है इनहुलेट्स एंड सक्सन। और ये जो सिटी है ये 1775 में खोजा गया था एक राजा के द्वारा जिसका नाम था कोजैक, कोजैक रिग। Внимательно, внимательно, смотрите, магнит, видите, молодой человек снимает прекрасно, смотрите, магнит, 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 берем и ложим, смотрите, здесь 25% железа, да, то есть это кусок железной руды, а это безрудный кварцит, здесь нет руды. Но это все метаморфическая порода. Когда-то это было дно моря, и песок кварцевый из гранитов речками сносился вниз на дно моря. И отлагалось слоями. Вот эти слои так и остались. Их смяло в складки 2 миллиарда лет назад. Дети, вы щупаете камень, которому 2 миллиарда лет. Миллиарда, пощупайте, да поцелуйте, может, полыжать его. Может, повезет. Укусить можно, да. А вдруг оттуда динозавр вылезет. इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है यहाँ के पत्थरों पे, जो यहाँ के ओर्स क्वेरीज से निकाले जाते हैं और यहाँ पे माइनिंग किया जाता है और वहाँ से मेटल्स निकाले जाते हैं, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, ऑलमोस्ट 500 फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप किए गए थे 90s के 80s के दौरान। इसमें डाल दो, डालो, जाओ, ये चला गया, अब मैं डालता हूँ। हो वेरी नाइस, सिक्योरिटी तो बहुत। और ये मेट्रो ट्रम्प है, एक्चुअली ये ट्रम्प है और मेट्रो दोनों का मिक्स वर्जन है। ये ऐसा ट्रम्प है जो कि ज़मीन के अंदर से चलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मेट्रो ट्रम्प। फिर से मेट्रो आती है, यहाँ से 3 स्टेशन आगे जाना है। ओके, ये मेटलर्जी चलता है, आर्क है। और इसका टिकट का दाम था बस 2.5 ग्रेड में, जो लगभग इंडियन रुपीज़ में होता है 6 रुपये लगभग। तो 6 रुपये का मेट्रो पे अब हम सफ़र करने वाले हैं। और फिलहाल हम आ चुके हैं मेटलर्जी पार्क। ये भी सूखा पड़ा है क्योंकि ठंड में यहाँ पे फाउंटेन काम नहीं करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सोवियत टाइम का फाउंटेन है। और ये सोवियत टाइम का झूला है, ये भी मेरे को इसमें घुमाओगे? टूट फूट चुका है। और ये घूमने लगा ये झूला, मोमेंटम आ चुकी है, बस मैं डरू ना। और मैं ये घूमने लगा इस पुराने सोवियत टाइम के गोल गोल झूले पे, और हमें घुमा रहे हमारे मयंक भाई, बहुत मज़ा आ रहा है कसम से, बचपन याद आ रही है मुझे। गाइज मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक स्टेडियम है जिसका नाम है मेटलर्जी स्टेडियम। मेटलर्जी से एक बात बता दूं आपको कि ये जो शहर है क्रीबोर्ग, यहाँ पे काफ़ी आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन हुआ था, तो जिसके वजह से 1880s में यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, फ्रेंच इन्वेस्टर और इंग्लिश इन्वेस्टर, और यहाँ पे फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का इस्टेब्लिश किया गया और फिर बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप किए गए। और यहाँ पे पास में एक क्वेरी भी है जहाँ पे कि आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और यहाँ से फिर बहुत सारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं आयरन ओर। तो अब हम मेटलर्जी स्टेडियम से निकल के अब हम दूसरे स्टेडियम बोल रहा हूँ। फिलहाल अभी हम इस मेट्रो स्टेशन से निकले हैं और यहाँ पे एक कैथेड्रल है
वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। और जो हम जहाँ से आए थे वो सेंटर से आए थे, उस स्टेशन का नाम था मेटलर्जी स्टेडियम, जिसका नाम है सोलनी चनाया गलेरिया। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, और इसके जस्ट पीछे ये कैथेड्रल है जहाँ मुझे आना था। और यहाँ आने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी है, मैंने 3 ट्राम स्टेशन चेंज किया है और 20 मिनट का वॉक लिया है, फिर जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। लेकिन अभी भी मैं इसके सामने नहीं गया हूँ, अभी मैं इसके बैक साइड में, अभी इसको जाने के लिए इसको फिर से आगे से ये रास्ता है। हुआ है यहाँ पे, कोई क्वारंटीन नहीं, सारे दुकान खुले हुए, हमारे ऑर्डर से क्वारंटीन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई क्वारंटीन नहीं है। अगर कोई ओडिशा में हो और उसे शॉपिंग करनी हो तो वो क्री वॉग आ सकता है या फिर 9 तारीख का वेट करे। अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें बस सुसु करना था, इसलिए हम अंदर गए थे। अब उस चर्च के बाद हम वहाँ से वापस से पैदल चलते हुए अपने स्टेशन की ओर जा रहे हैं। ये ट्राम जो जा रही है आप देख रहे हैं, हमें स्टेशन पे वापस से जाना, और ये काफ़ी दूर था तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता है नए शहर में जब आपको कुछ ना पता हो। तो हम वापस से आ चुके हैं मिस्का लिकारनाया मेट्रो स्टेशन। म्यूजिकल कॉलेज, ये फ्री जिम है जो इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया है, और ये काफ़ी सही है। जो लोग स्ट्रीट वर्कआउट या फिर कैलिस्थेनिक करते हैं उनके लिए ये सही जगह है, फ्री जिम बाय स्ट्रीट स्पोर्ट्स। मैं पूरा यूक्रेन घूमना चाहता हूँ। अभी ये पहला ट्रैवलिंग वीडियो है मेरा, पहला सीरीज़ है, तो मे भी हो सकता है कि अभी मैं बहुत चीज़ें खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ या आप लोगों को बहुत चीज़ें नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे से इस पर इम्प्रूव करूँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन दूँ और वो गलत हो। तो जो मुझे नहीं पता होता है वो मैं नहीं बताता हूँ। हम अभी फिलहाल हैं हेडिंसकी पार्क के एक ब्रिज पे, जो ये ब्रिज है ये इस पार्क पे है, और इस पार्क के दूसरे साइड एक और पार्क है, अब हम उस साइड जाएंगे। ये एक और ब्रिज है, काफ़ी ब्रिज है यहाँ पे।
ब्रिजों पे लॉक्स लगी हुई है, काफ़ी तगड़ी लॉक है। अपने अपने मेहराड़ू का नाम ऐसे ईगर के साथ आनिया, यासा के साथ जो था उसका मर गया मिट गया ना ओडिशा में लव लॉक था, यहाँ पे लॉक ट्री है। दीवाने आम दीवाने खास, और ये हमारी दूसरी ब्ला ब्ला कार जो हम अब यहाँ से जाएंगे। अब टाइम हो चुका है क्रीवॉक को बाय बाय करने का, और अब हम वापस से ओडिशा जा रहे हैं क्रीवॉक से। What's your name? Romayan. Tom. Romayan. Tom. I told it. I don't know how BlaBlaCar calculate estimated arrival time, but as I understood, he wrote that we will be at 10 o'clock here. Yeah?